हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में क्या कुछ हैप्पी चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं, हैप्पी आ रहे हैं या बैड आ रहे हैं। चेक इन कर लेते हैं टैरो से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। देखिए, आपके जीवन में कोई ये भर के ला सकता है, आपके जीवन में कोई नया पार्टनर, रीयूनियन। अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पर एक बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, आपकी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो सकती है, ठीक है। एक बैलेंसिंग आपके जीवन में आ रही है। जो भी आपका ये जो रिश्ता है, ये एंजेलिक, डिवाइनली ब्लेस्ड है। आपके ईश्वर की, आपके परमात्मा की उस पर ब्लेसिंग्स हैं, दया है, दृष्टि है। आपके ईश्वर उस रिश्ते को देख रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर पर ईश्वर की नज़र है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते पर। ये डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है, ईश्वर का ये दिव्य रिश्ता है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बट यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि इस रिश्ते पर बहुत लोगों की नज़र है, कुछ ब्लैक मैजिक, अभी भी कुछ रिचुअल, ब्लैक मैजिक, कुछ स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर ये चीज़ें बता देती होंगी कि कुछ तो गड़बड़ है, अब फिर कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ नेगेटिविटी आपके रिश्ते पर सेंड करी जाती है, कुछ ब्लैक मैजिक कास्ट आपके ऊपर होते हैं। बट यहाँ पर आप डिवाइनली इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं कि आप इजीली चीज़ों को हैंडल कर जाते हैं। ये एनर्जीज देख, कोई फिर से चाहते हैं आपको हार्ट ब्रेक करा जाए, बट अब आपका हार्ट हार्ट नहीं रह गया है, अब आपका जो हार्ट है, आप पत्थर बन गए हो, ठीक है। आप एक पत्थर की तरह मजबूत शिला बन गए हो, ये एनर्जीज मुझे आ रही है। अब आपको कोई हार्ट ब्रेक नहीं कर सकता, आप इमोशनल नहीं रहे, आप प्रैक्टिकल माइंड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आप सभी को शक की नज़रों से देखते थे, पहले आप लोगों को विश्वास की नज़र से देखते थे, बट अब आपकी जो एनर्जीज हैं, आप लोगों को शक भरी निगाहों से देखना आपने शुरू कर दिया है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं, ओके। ये एनर्जीज आ रही हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आप हो सकते हैं, ओके। क्या कुछ बदलाव और आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज आप गाइड करें। देखिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ना, आपने बहुत मेहनत करी है किसी काम को लेकर, अब आप वहाँ पे हताश से, निराश से, परेशान से हो गए कि भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना अब कुछ भी, कोई भी ये काम हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा, है ना। सबके लिए कोई भी आपके कोई बिग मैनिफेस्टेशन हो सकती है आपकी। आपको ये लगता है कि भाई, मैंने इस काम में अपना 100% दिया, बट उसके रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये देखिए, पेंडिकल्स के यहाँ पे ग्रीनरी है, उदास नहीं होना आपके पास, ठीक है। पेंडिकल्स आपने देखा होगा, लीव्स पर लगे हुए हैं, यानी जब फल पकता है ना, तो अपने आप ज़मीन पर गिरता है। तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा पेशेंस रखना है, आपने ये नहीं सोचना कि ये चीज़ कभी नहीं होंगी, बट थोड़ा धैर्य रखें आप, ठीक है। यहाँ पे आपको पेशेंस बनाने के लिए, पेशेंस, धैर्य की एनर्जी को लाने के लिए बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखें, धैर्यवान बने रहें, होप नहीं आपने छोड़नी जो परमात्मा ने आपको दी है, जो ईश्वर ने आपको होप दी है ना, परमात्मा के नाम के साथ आगे बढ़ा, बस इस होप के सहारे ही आपने चलते जाना है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है, फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस से कुछ बड़े लड़ाई दंगे हो सकते हैं, या कोई आपको फंसा सकता है लड़ाई झगड़ों में, फिजूल में। आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, आपका कोई मनोभाव ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग अपने नीच हरकतों को अंजाम देने के लिए आपको घसीट सकते हैं किसी भी तरीके से, लड़ाई झगड़े में आपको बीच में टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत चतुर और चालाक लोग मुझे आपके इर्द गिर्द दिख रहे हैं, जो अब ये देख रहे हैं कि आप बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हैं, एंड आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं, ये देख रहे हैं कि आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हैं, और तभी आपके मार्ग में जो रोड़े अटका रहे थे, फिर से आपको बदनाम करने के लिए, आपका नाम खराब करने के लिए, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में, पॉलिटिक्स में आपको फंसा सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, ओके ओके जी।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करे और भी आगे कार्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये जो भी लोग हैं ना लड़ाई झगड़े करना जो चाहते हैं, आपके जीवन में दंगे फसाद करना चाहते हैं, ये जानते हैं आपको कि भाई आप बहुत मेहनती हैं, आप नहीं रुकने वाले, तभी इनको चुल मची हुई है आपके जीवन में आंधी तूफान लाने की, इनको चुल मची हुई है। ये जहाँ भी बैठे हैं, ये कुछ लोग तो बहुत दूर बैठे हैं आपसे, बट फिर भी वहाँ भी उनको बेचैनी लगी हुई है। आपके नाम के बिना उनका दिन ही नहीं निकलता, जब तक आपकी बातें ना कर ले उनकी रोटी नहीं हजम होती, गधों की, बेवकूफ़ों की। ऐसी सी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स देखिए, क्योंकि आपके जीवन में भाई बिग विक्ट्री आ रही है, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और ये आपकी मेहनत से होगा, परमात्मा के विश्वास से होगा। तो जो ये बड़ी सफलता आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है। इस समय बहुत ही भाग्यशाली समय है भाई, अगर आपका कोई भी मन है ना मैं इस काम को शुरुआत करूँ तो डेफिनेटली करो, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी जो भी काम आप शुरू करते हैं। ये यहाँ पे स्वयं ईश्वर कह रहे हैं, कार्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही कुछ भी। तो जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन में जो आपको रोकना चाहते हैं काम, वो अब भी बेचारे पूरे करेंगे, वो चीज़ अलग है, वो सारी चीज़ें उनकी फेल होंगी, क्योंकि लो माइंड सेट के लोग हैं, जीरो कैटेगरी के लोग हैं, उनका काम ही यही है आपके जीवन में इस तरीके से बदहालियां लाना, बट वो खुद बदहाल हो जाएंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके जीवन में ये आ रहा है। आप नाइन ऑफ पेंडिकल्स के एनर्जीज में जो हैं आ रहे हैं। देखिए, जब आपके बर्थ चार्ट में आपका मंगल यानी आपका मार्स नेगेटिव होते हैं ना, मंगल बद्ध होते हैं, तब आपके गुरुदेव बृहस्पति भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये जो नाइन ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है ये बता रहा है आपके गुड मंगल को एंड आपके गुड जुपिटर को, ठीक है। आपका मंगल भी गुड है एंड आपका जुपिटर भी गुड है, ये दोनों प्लैनेट्स गुड हैं आपके बर्थ चार्ट में, तभी आज आप इस एनर्जीज के साथ अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बुध ग्रह भी आपका बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि तोता बैठा है इस फीमेल के हैंड के ऊपर, तोता होता है, तोते की जो एनर्जीज होती हैं वो बुध के साथ हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसका कनेक्शन मानते हैं। तो तोता यानी कि बुध ग्रह, आपका बुध बहुत स्ट्रांग है, आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है एंड आपका जो है जुपिटर भी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जो लोग आपके मंगल बद में जिन्होंने भी नेगेटिव रोल प्ले अदा करा है, अब वो इस एनर्जीज में जा रहे हैं, उनकी रातों की नींदें खराब होंगी, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको इन चीज़ों में डालना चाहते थे बट खुद जा रहे हैं, ठीक है। होता है ना कभी जब हमारा चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती, हम अच्छे काम कर रहे होते हैं बट चीज़ें फेवर में नहीं होती, तो उस समय में कुछ लोग ऐसे जरिया बनते हैं जो नेगेटिव रोल प्ले अदा कर रहे होते हैं आपके जीवन में इंटेंशली। तो वहाँ पे इंटेंशन के साथ जिन्होंने गलत काम करे हैं उनको उनका कर्मा ईश्वर देंगे, ये एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, तो बहुत बड़े सुंदर बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, ये यहाँ पे स्वयं आपके ईश्वर कह रहे हैं। दी हेरोपेंट नंबर 5, जैसे मैं अभी बता ही रही थी, 5 यानी कि बुध आपके बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं भाई। अब आप जो है क्लियर जस्टिफिकेशन करने में बहुत महारत ही हो गए हैं, जैसे बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के आप हो गए हैं, आपको जजमेंट बहुत स्ट्रांग करना आ चुका है ना। आप जो हैं अपने पराए का भेद साइड में करके, अपने पराए मतलब इस तरीके से जो होता ना, अगर कोई इंसान मेरा है तो सही जजमेंट कर दिया, दूसरा है तो गलत जजमेंट दे दिया, उनमें से आप नहीं हैं। आप राइट जजमेंट के लिए डिवाइन ने आपको बनाया है और राइट जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है, यानी अगर आप किसी विचार को लेकर के कुछ सोच विचार करते हो तो जो थॉट पैदा होता है ना आपके माइंड में, तो वो बिल्कुल करेक्ट आता है, क्योंकि ईश्वर वो दे रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा आपके मन और मस्तिष्क में भर रहे हैं, ये यहाँ पर चीज़ें मुझे आ रही हैं। और उन थॉट्स को, उन मन मस्तिष्क में जो विचार आपके डाले जा रहे हैं, अगर आप उन पर काम करोगे तो ईश्वर आपको फुल सपोर्ट देंगे। अब परमात्मा आपको फुल सपोर्ट कैसे देते हैं, आपका माइंड है नेगेटिविटी से हटाया जाता है, छोटी सोच से हटाया जाता है, गलत चीज़ों में से हटाया जाता है, लोग आपको नेगेटिविटी में, कॉन्स्पिरेसी में फंसाने की कोशिश करते हैं, आप वहाँ पर इजीली फंसते नहीं हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप हो रही हैं आपके साथ,
तो डेफिनेटली डिवाइन का फुल सपोर्ट आपके साथ है, ओके, जो बहुत बेहतरीन बदलाव होंगे आपके जीवन में। फोर ऑफ पेंडिकल्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स और बॉटम डेक में आया है यहाँ पर हर्मिट। तो देखिए जो एनर्जीज मुझे आ रही हैं, कुछ लालची किस्म के जीवन में आपके लोग हैं और वो इस समय आपकी ऊर्जाओं को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी हैं और आपके जीवन में दोबारा से घुसने की कोशिश हो सकती है, तो कुछ घुसपैठी आपके जीवन में आ सकते हैं, उनसे आपने बचकर रहना है। अपने मन की फीलिंग्स, भावनाओं को उनके सामने बिल्कुल व्यक्त मत कीजिए, आपके मन में क्या है ऐसी कोई भी बात, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को हाइड रखें, ठीक है, अपने फीलिंग्स इमोशंस को आपने हाइड रखना है, क्योंकि ये जो भी लोग हैं इनका मकसद, इनके मंसूबे ख़राब हैं, ये आपके लिए अच्छी इंटेंशन नहीं रखते, ठीक है। बहुत चंट किस्म के, नाकारा निकम्मे, निहायती बदलिहाज किस्म के ये लोग हैं और आपने हमेशा इनसे बच करके रहना है, ठीक है। कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, आपने ये सोचना बेवकूफ़ हैं और इडियट किस्म के लोग हैं, सिवाय इनको अपने एनर्जी एंड टाइम वेस्टिंग के, इनके पास और कोई कुछ भी काम नहीं है, और ये जैसे अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं, आपकी भी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। द स्टार कार्ड है यहाँ पे, स्टार कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप एक स्टार सीड है, आप जीवन में कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, कुछ स्पेशल करने के लिए आप बने हुए हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। क्योंकि आप जो हैं कुछ स्पेशल करने के लिए बने हुए हैं, कुछ ऐसा जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, आप किसी स्पेशल काम के लिए बने हुए हैं, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो काम कई पीढ़ियों से, कई कुलों से नहीं हुआ, वो काम आप करेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी मुझे इस कार्ड से आ रही है। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कुछ बड़े आपके लिए कप्स भरकर ला रहे हैं, यानी इमोशंस, फीलिंग्स, फुलफिलमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस, कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। आकाशिक रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी करा सकते हैं, अपने ग्रह नक्षत्रों की प्लेसमेंट जान सकते हैं, ओके, और अगर आप नेम करेक्शन कराना चाहते हैं वो भी आप करा सकते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। नेम करेक्शन से आपका भाग्य बदलने की गारंटी होती है, 6 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं अगर आप फेथ और विश्वास रखते हैं, और 1.25 साल बाद आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, तो बहुत पावरफुल है नेम करेक्शन। ऑफर चल रहा है 2 के साथ 1 की फ्री है, इंटरेस्टेड है तो करा सकते हैं, अपने बच्चों की कराएं, अपने हस्बैंड की कराएं, अपने वाइफ की कराएं, किसी की भी कराएं, अपने भाई बहन की, जिनको भी आप प्रेम करते हैं उनकी आप नेम करेक्शन कराओ, उनका भाग्य बदल जाएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो, हरे कृष्णा हरि बोल, राधे राधे।